एक तो ना कसम से यार मेरा हो रहा दिमाग खराब। एक तो ये पड़ोसी, अबे तू जान आगे से, एक तो ये पड़ोसी शोर पे शोर, रात के 12:30 हो गए यार, रात के 12:30 बजे सो जाओ यार, वीडियो बनाने दो यार, दिन में नहीं बनाने देते हो, ये इतना शोर होता है, ये भगवान चक ले इनको। मर्दानी 2 जिसे डायरेक्ट किया है और राइट भी एक ही इंसान ने किया है, गोपी पोतरन ने, और जो इसके अंदर कास्ट है रानी मुखर्जी, विक्रम सिंह चौहान, श्रुति, बोपना, सुधांशु पांडे। और जो इसकी स्टोरी अगर मैं आप लोगों से बताऊं, आप लोगों को बताऊं कि जो इसकी स्टोरी है कि एक लड़का है सन्नी जिसे प्ले किया विक्रम सिंह चौहान ने, वो एक रेपिस्ट है और राजस्थान की पुलिस उसे पकड़ना चाहती है क्योंकि उसने एक रेप कर दिया एक लड़की का और उसका मर्डर कर दिया। बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया इस मूवी के अंदर। जो इसकी फर्स्ट मूवी है वो मैंने नहीं देखी, जाहिर तौर से इसकी फर्स्ट मूवी काफ़ी अच्छी रही होगी तभी इसका सीक्वल बना है। और कोई चीज़ कब अच्छी हो, जब अच्छी होती है उसी का हम क्या ऐसा करते हैं कि उसका सेकंड पार्ट ही लेके आते हैं, बॉलीवुड वाले ऐसे होते हैं। लेकिन बॉलीवुड का रिकॉर्ड रहा है, कुछ एक चुनिंदा मूवी छोड़ दें तो उनका रिकॉर्ड रहा है कि भैया अगर आपकी फर्स्ट मूवी अच्छी है तो सेकेंड मूवी में आपने कचरा करना है, ठीक है, जितना हो सके उतना कचरा करना है, बोरियत करनी है, मतलब बिगाड़ देनी है। जो मेमोरी आपने फर्स्ट मूवी बनाई ना, वो इमेज जो फर्स्ट मूवी, उसको तहस नहस कर देना है। तो इस मूवी ने भी वही काम किया है यार। देखो कॉन्सेप्ट तो इन्होंने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चक लिया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से जो इंपैक्ट डालना चाहिए था वो कहीं पर भी नहीं डलता है यार। एक रेप जैसा इतना सेंसिटिव मुद्दा वो उठाते हैं, लेकिन इस रेप से लेकर क्या जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक वो चीज हो जाती है। फिर ये सन्नी जो एसपी है रानी मुखर्जी, आईपीएस ऑफिसर, जो आईपीएस ऑफिसर है ये सन्नी, उस आईपीएस ऑफिसर के कैबिन में जाता है, वहाँ उनकी बातें सुनता है, उनके प्लान सुनता है। वहाँ पे एक जो कौन होता है जो उसको पहचानता है, एक छोटा बच्चा होता है जो इस सनी को पहचानता है कि इसने क्या होता है कि इसने मारा होता है, तो उसका स्केच बनाने आया था, उसको पुलिस स्टेशन में जाके उसको मार के भी आ जाता है, किसी को भनक नहीं लगती। इवन ये सन्नी रानी मुखर्जी के घर में जाके उसके शीशे पे कुछ ना कुछ लिख के उसकी साड़ी चोरी करके लेके भी आ जाते हैं। अरे यार क्या बात है, मतलब चोर आंखों के, मतलब चोर नहीं, मतलब एक मर्डर, एक रेपिस्ट जो आंखों के सामने घूम रहा है, वो इतनी हरकतें कर रहा है यार, कमाल है। वो पकड़ में नहीं आ रहा किस लेवल का यार, यूपीएससी से भी आगे निकल गया यार बंदा, तो पूरा एक क्लेवर था। मतलब फिर तो यूपीएससी जो आईपीएस यूपीएस बने हैं जो एसपी, यार फिर तो यार वेस्ट गई पढ़ाई। मतलब एक ऐसा क्रिमिनल जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो साइकोलॉजी पागल है, वो इतनी हरकतें कर गया, इतना कुछ कर गया, और जो एक आईपीएस ऑफिसर है वो उसके, मतलब उसको भनक तक नहीं लगी यार। वाह यार जानबूझ के ये मूवी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जानबूझ के इसको लंबा किया जा रहा है। जो एक मैसेज देना चाहिए कि हाँ ये एक ऐसा मैसेज हो जो समाज के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाले, वो कहीं पर भी नहीं है। एक सनी जो एक जो ये लड़का है, इसकी जो मेंटलिटी वो ये है कि भाई ये इसको लगता है कि जो औरत होती है और उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको घर के काम ही करना चाहिए, बाहर जाके कोई काम नहीं करना है, उसको ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा है, तो ये मेंटलिटी उसके अंदर दिखाई गई, बजाय इसके कि उसकी वो मेंटलिटी कैसे बनी और जो लोग जो हैं वो इस मूवी को देख रहे हैं वो अपनी मेंटलिटी को कैसे चेंज करें, ऐसी चीज़ें दिखाने की बजाय ये मूवी बेफिजूल की चीज़ों दिखाने में पूरी लगी रहती है। देखो यार मूवी, अब ये मत बोलना कि इसमें इतना सेंसिटिव इशू दिखाया गया है भाई तू ऐसे कैसे बोल सकता है, भाई इस मूवी में वो उस सेंसिटिव इशू के ऊपर कुछ बात ही नहीं की गई, ठीक है, जो एक्चुअल में जो बात होनी चाहिए वो इसके ऊपर नहीं है यार। इतना कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, इतना कोई इमोशनल नहीं करती, इतना कोई हमें झंझोड़ कर नहीं रखती उस चीज़ के प्रति यार, इतनी ब्रूटल अगर आप चीज़ दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्ट्रोंग मैसेज भी तो दे कर रखो। जाहिर तौर से इस मूवी का लक्ष्य यही रहा होगा कि जैसे तैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जाए, एक कॉन्सेप्ट उठा लो जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और जैसे तैसे करके इसको दिखा दो। अब क्या है कि इस मूवी में एक इंस्पेक्टर दिखाया गया जो हर वक्त सिर्फ महिलाओं को कोसता रहेगा कोसता रहेगा, सिर्फ यही दिखाया गया। और शास्त्रों की बात की जाती है कि शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं जब भी मर्यादा लांघती हैं तो समाज का सत्यानाश ही हुआ। अब देखो यार इस चीज़ को तोड़ा मरोड़ा जाता है, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया, मर्यादा का मतलब कुछ और ही होता है, मर्यादा का मतलब ये नहीं होता कि वो आप घर से जाके वो बाहर काम नहीं कर सकती यार, वो बेशक कर सकती है, उसको पूरी आज़ादी है। मर्यादा का मतलब एक पुरुष के, एक महिला के लिए नहीं बल्कि एक पुरुष के लिए भी वो चीज़ें लागू होती हैं, मर्यादा हर एक के लिए ही लागू होती है, शास्त्रों में हर एक के लिए ही बात लिखी गई है। तो उस चीज़ को जैसे तोड़ा मरोड़ा वो जा रहा है लगता है यार, मुझे नहीं लगता कि इस मूवी से कुछ कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है, सिर्फ
जानबूझकर, फिर मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, कि भी हाँ लोगों को, लोग आजकल लगे हुए हैं कि इस चीज़ के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये जी जो ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा चर्चा में है, या फिर महिलाओं में जो रेप हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव जो इशू है, वो इशू इसमें उठाएंगे तो लोग इसको देखने आएंगे। तो लेकिन यार कुछ ऐसा नहीं है कि इस मूवी को देखकर आप जो कंजर्वेटिव जो सोच है वो इसमें बदलेगी। और लास्ट में जो इस मूवी में एक NCRB की एक रिपोर्ट दिखाई गई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिखाया गया है कि कितने सारे जो केस हैं जो वुमेन के मतलब महिलाओं पे जो शोषण हुआ है, मतलब कि उन पे हरासमेंट हुई है, कितने केस जो रजिस्टर किए गए हैं, कितने केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर ये रिपोर्ट मैंने जब द हिंदू न्यूज़पेपर में आई थी उसके अंदर पढ़ा था कि सबसे नंबर वन जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पे जो महाराष्ट्र है। तो ये कोई चीज़ हमें, ये मूवी कोई सॉल्यूशन नहीं देती कि हाँ कि इन जैसी चीज़ों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके के स्टेप उठाए जाने चाहिए। बजाय इसके ये मूवी सिर्फ और सिर्फ लंबी खींची जाती है और बार बार बस ये दिखाया जाता है कि एक मर्द एक आदमी जो बोल रहा है वो बार बार यही बोल रहा है कि महिला को ये नहीं करना चाहिए, महिला वो नहीं करना चाहिए। इवन जिस लड़की का रेप होता है उस लड़की की माँ भी ये बोलती है कि वो तो होना ही था क्योंकि वो ज़्यादातर लड़कों के साथ घुलती मिलती थी। मतलब सब कुछ यार कमाल हो यार, क्या दिखा रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ये दिखा भी रहे हो तो उस सोच को कैसे बदला जाए, उसका भी तो कुछ दिखाना चाहिए ना। आपने एक चीज़ कुछ दिखा दी, आप उसके प्रति उस चीज़ को कैसे बदले तो उसके लिए भी कुछ दिखाना चाहिए। तो ऐसा कुछ उस मूवी में नहीं दिखाया जाता। मैंने एक्सेप्ट किया था जब इस मूवी का ट्रेलर आया था, मैंने एक्सेप्ट किया था कि कहीं ना कहीं मूवी कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन वास्तव में कोई जो मैंने जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर तो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। अगर आप लोगों को मर्दानी 1 पसंद है और आप चाहते हैं रानी मुखर्जी की एक्टिंग देखना तो बेशक आप इस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन ये मूवी कोई इतनी बड़ी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी आप लोगों के ऊपर या समाज के ऊपर, कुछ नहीं डालने वाली। जो मुद्दा ऑलरेडी न्यूज़ में चल रहा है उस मुद्दे को ही बस एक तरीके से ऐसे दिखाया गया है, ना उसका सॉल्यूशन है, ना उसके ऊपर कोई ढंग से कोई डिबेट है, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे आपको लगे कि हाँ इसके अंदर भाई सोशली आवाज़ उठाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो रानी मुखर्जी की अगर फ़ैन है तो प्लीज तो जाके देख सकते हो। बाकी मेरी राय में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये मूवी देखकर आप कुछ इंस्पायर होंगे या फिर आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर कोई सोच बदलेगी, बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।